हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभय कुमार एक बार फिर हाजिर हूं अपने एक नए टॉपिक के साथ। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, ताकि मैं कोई नया टॉपिक आपके साथ लेके आऊं। आज का जो टॉपिक है वो मेरा है स्टेप्स ऑफ द रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हमको लेना चाहिए। तो जैसा कि मेरा आप स्क्रीन देख रहे हैं, स्क्रीन में जो मैंने डाला है व्हाट आर द फाइव स्टेप ऑफ द रिस्क असेसमेंट। ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट के पांच स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स का मतलब क्या होता है कि पहले क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, एक ऑर्डर में हम कैसे रिस्क असेसमेंट करते हैं, कैसे हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, उसका एक ऑर्डर वाइज है। उसको कौन कौन से वो पांच स्टेप हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो रिस्क असेसमेंट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप्स होता है वो होता है आइडेंटिफाई द हैजार्ड। हैजार्ड को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसमें किस किस तरह के हैजार्ड हो हैं और किस किस तरह के हैजार्ड उसमें हो सकते हैं। तो पहला स्टेप्स हो गया कि जो एक्टिविटी हम करने वाले हैं वो उसमें किस किस तरह के हैजार्ड हो सकते हैं। दूसरा स्टेप आता है और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स है, जो लोग उसको मिस करते हैं रिस्क असेसमेंट करने में, कि हु माइट बी हार्म एंड हाउ, वो जो हैजार्ड है वो किसको इफेक्ट कर सकता है और कैसे, जो हैजार्ड है वो किस किस तरह से और किस किस को इफेक्ट करता है, कर सकता है। ठीक है, डिसाइड हु माइट बी हार्म एंड हाउ, कैसे, किस किस को, वो हमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब तक हम उस चीज को नहीं कंसिडर करेंगे हमारा रिस्क असेसमेंट प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, थर्ड स्टेप है उसमें इवेलुएट द रिस्क। हैजार्ड को हम कंसिडर कर लिए, ठीक है, वो कौन उसमें हार्म, किसको हार्म होगा वो कंसिडर कर लिए, उसके बाद हमको क्या करना है, उसको इवेलुएट करना है रिस्क को। ठीक है, इवेलुएट करना है रिस्क को कि रिस्क लेवल कितना है, और उसके बाद हम उसको डिसाइड करना है कि उसका प्रिकॉशन कैसे लेना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। तो थर्ड स्टेप क्या है, इवेलुएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस, कि क्या, किस किस तरह का क्या रिस्क हो सकता है, ठीक है, और उसको कैसे प्रिकॉशन हमको लेना है। फोर्थ अपना जो पॉइंट है वो है, फोर्थ स्टेप है वो है रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स। जो भी आपने फाइंडिंग्स लिया, जो आपको फाइंडिंग्स मिले उसको रिकॉर्ड करना है और इंप्लीमेंट करना है, रिकॉर्ड करना है और इंप्लीमेंट करना है। जो फिफ्थ स्टेप है वो है उसको अगेन रिव्यू करना कि हमने जो उसको प्रिकॉशनरी मेजर लिए हैं वो क्या रियली वो इफेक्टफुल हुआ या नहीं हुआ। तो रिव्यू करना सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम उसको रिव्यू करना है रिस्क असेसमेंट को, कि हाँ जो हमने प्रिकॉशन जो आइडेंटिफाई किया था, हैजार्ड को आइडेंटिफाई किया था, रिस्क को इवेल्युएट किया था और प्रिकॉशन जो हमको लेना था इंप्लीमेंट करने के बाद क्या वो मिनिमाइज हुआ या नहीं हुआ, एक्सेप्टेंस लेवल में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो हमको फिर अगेन ये प्रोसेस दोहराना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।